ओहो दगड़ियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्कूल से मैं आ चुका हूँ और 3 बजे अब मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग करी दी है। तो स्कूल से आते ही खाना वाना खा के मैं अभी खेत में आ चुका हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी धान वैसे हमने परसों काट रखे थे, आज हमारी धान की चुटाई पूरी हो चुकी है। 3 कुन्यूड़ ची हमारे, 3 कुन्यूड़, 3 3 कुन्यूड़ ना आज हमने धान चुटा ली। और धान चुटन में हमारे धंदाल ने काफ़ी मदद करी, जो पोरू मैन व्लॉग में तुमने दिखा रहा छो, जिनका मैन करोची की नेपाल बा आ रही और उन्हें रोजगार यहाँ छू का भेर, तो उन्होंने काफ़ी मदद करी हमारे धान चुटन में। तो आज जदुले धान जी सब चुटाए हमारे पूरे है के, तो धान चुटबे जो पराह हूँ पराव के हमन का घर ले जान छू और मडुआ बलाल लग घर ले जान छन और घाले ले जान छू। तो मैं अच्छा पराव का यहाँ सुन छू किलो छत में लुट जन हन्ना। अच्छा तो पहले पराव को यहाँ सुखाना है, फिर उसके बाद छत में लुट डालना है उसका, तो मतलब घर तक नहीं ले जाना है, बाकी मडवा बलाड़ तो ले जाण होनाल और खाली जाण तू आमला हो युकने वो तो तेज वे के भो आमो गुस्सा आ रो के मैं दकाड़। अच्छा आप आधी ढूंढे और मम्मी आगे आगे जा चुकी है, मम्मी शायद घास काट रही होगी वहाँ जाके, मम्मी को भी दिखाता हूँ अभी खेत में जाके। तो ऐसे आप भाई के साथ ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी तो फिलहाल मैं खेत में आ चुका हूँ पराव लेने के लिए, और देखो साथ में ककड़ी के मज़े भी ले रहा है तुम्हारा भाई। हमारे ये ककड़ी के लग में ककड़ी लग रही थी छोटी सी, तो मैं भी ककड़ी खा रहा हूँ। देखो अम्मा के हाथ में भी है ककड़ी है, अम्मा भी ककड़ी खा रही है, मम्मी खाते खाते आगे को चले गई है। अमल एक आज ककड़ ऐद दिया मकई, तो ककड़ अचान है रही खपा खप खाते रूनू ककड़ो न पचाते रूनू या हाय कर दे। हाय कर दे। तो जैसे ही नीचे खेत पर ये पराव सुखाने के लिए डाल रखा है, पूरा खेत पर अच्छे से फेर रखा है, वैसे ही हमें भी अपने खेत पर ये पराव फेरना है और जब ये सूख जाएगा फिर इसका लुट डालना है। तो वैसे लुट हम हर साल अपने किचन की छत पर डालते हैं, इस साल पता नहीं कहाँ डालेंगे, खेत पर भी डाल सकते हैं, किचन की लेंटर में भी डाल सकते हैं। तो आपको आगे आगे देखने के लिए मिल जाएगा वो आगे की ब्लॉगों में कहाँ डाल रखा है करके। तो अभी तो फिलहाल मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मम्मी और अम्मा गए हैं। तो ये देखो ये खेतों का नज़ारा, देखो ये सब ने अपने खेत पर ये पराव है, देखो ये सुखाने के लिए डाल रखा है और फिर बाद में इसका लुट भी डालेंगे। और अभी भी काम करने के लिए कितने सारे लोग आ रखे हैं, देखो नीचे धान की चुटाई भी चल रही है। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए और लोगों से भी मिलाता हूँ, ठीक है मैं आपको। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो धान की चुटाई चल रही है यहाँ खेतों में, बड़े लगन से यहाँ धान चुट रहे हैं। अभी यहाँ के खेतों में धान की चुटाई पूरी नहीं हो पाई है, और तो आज हो जाएगी शायद, और ऊपर ताऊ जी का इशारा आ रहा है मेरे लिए। तो मैं एक बार ताऊ जी के साथ जाता हूँ, धें ताऊ जी के कोनी। हेलो ताऊ जी, कैसे हो? बढ़िया। आज ये क्या कर दिया तुमने? गड़ी के बात काट दी। अरे गजब गजब गजब, ये बढ़ जाएंगे। हाँ ये बढ़ जाएंगे ताऊ जी की गडेरी, ये काट दी ना वो टहनी सब। सही क्या सही क्या, अरे बढ़ जाएंगे सब। ओ हो ये ताऊ जी की गडेरी भी देखो दगड़ियो, बेचना सके बेच ला के नली बेचना से जब बता दियो के पता दर्शक कोई खरीदने वाले है जी नहीं। अच्छा अच्छा मतलब खाना है पूरा ना दिन का। अरे हो ताऊ जी निकले चार चार पाँच पाँच चिली है, 3 चिली बिहारी, 1 हल्दान, 1 लखनऊ न 2 हल्दान, 1 लखनऊ सब ना तो भिजुण बने हो। तो खाली ओ बजला हो मको बुले लिया खून बहुत उन चाहा दिल हो होए जरूर खून बहुत होना जब फिर खून बहुत लो उन ओ यो। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं मम्मी के साथ, यहां मम्मी मडवे के बलाड़ काट रही है, देखो ले लियो इसी घनी में बुतियो जरा यो के बाद दो पुठ में दे लियो। मम्मी बुदो पुठ में बात दो, एक एक बलाड़कन काटने उमें भरने एक 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 करवे तब जो हल जरा ए बोरी। यो देखो यो काटने कन बाप। और अम्मा को भी आप देखो, अमो ओ अमो अमो खिला रहे तो कोई दूसरे के छोड़ो इले कहा अम्बेल गुड़ मार रखो कल ले हो यार सड़ैन तो उन्हें हमको ना गुड़ मार रो बेल पावल ले।
तो दोस्तों अम्मा बोल रही थी गुड़ मर रखा है करके, तो गुड़ यहीं पर मर रखा है यार, ये हमारा ही खेत है और यहाँ एक कोने पर ही मर रखा था ये, तो कुत्तों ने मार दिया था यार ये गुड़ को, मम्मी बोल रही है कुत्तों ने मार रखा था करके, और काफ़ी बुरी कंडीशन में, मतलब शरीर के बहुत ही पार्ट उचेड़ रखे, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से, तो इस वजह से अम्मा ने इसको पराव से ऊपर से ढक दिया ये, तो मम्मी और अम्मा थुकन थुकन पावा देखो अम उखाओ भरी के पावल लो देखो तलगी हूँ बाशेलू, और मम्मी पावल ला मोडवा बलन का काटने, तो यार अब इसको देखते क्या होता है, अब इसको गाड़ना पड़ता है अभी एक खड्डा खोद के, तो अभी तो फिलहाल यहाँ से दूर चले जाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है ये। तो दोस्तों मिलिए आज हमारे दूसरे ताऊ जी से एक, ये भी काफ़ी मजाक किया है, मतलब हमारा आधा गांव मजाक किया है ही है ये, तो देखो ये है इनका, ये धान का बोझ है, कितने किलो है किनाल, 50 किलो है किनाल, अच्छा ये इनकी स्माइल देखो कितनी प्यारी है, एक बार जोर से हंस दो, अच्छा ये कितनी प्यारी स्माइल है इनको देखो, इनकी स्माइल में तो मैं फिदा हूँ भैया ये कौन चाहना था, कुछ कहना चाहते हो, कुछ ही बोल सकते हो, मतलब कुछ अच्छे विचार दे सकते हो अपने, या कुछ दर्शकों को कुछ अच्छी बातें बता सकते हो, तो कुछ कुछ बोलना चाहोगे, क्या बोला, कुछ नहीं बोलते, आशीर्वाद ही दे दो, आप बड़े हो हमारे दर्शकों से भी, कई दर्शक ऐसे होंगे जो छोटे होंगे आपसे, तो उनको आप आशीर्वाद दे सकते हो, हैं पहाड़ आशीर्वाद, जीरिया जागरिया तो कह सकती हो, तो कह दियो वे जीरिया जागरिया, यस कह सकते ना, और कह ना कह सकते जरा आशीर्वाद ले डिबे जरा भल से लागू ने दर्शक अंकल है कि वो आपू ताऊजीन का लूनो जब चलो वही ताऊजीन ला आशीर्वाद देगा बेन ने जरा भल लागनी है बने लागू ने दर्शकों को बताया हाँ, तो इन अल्लाह धान चुटेली इन अंकल मैंने दिखाई है आज, और ये चो हमार बोझ पराव फेरने आयल ओ बोझियो बोझियो के हरीफ है तुम्हार के मुनी हो बोझ को तू मोटर है यो देखो हमारे अचान यो काम में मोटे बेरो बड़ो तुम यहाँ रहे आ चंगे हैं यो तो दोस्तों आज हमारी ताई जी के धान चूटने थे, तो आप ये देख सकते हो इनके धानों को, ये इतने धान इनके हो रखे हैं, तो ताई जी जरा सिद्ध चापन है वही दिशा तिरौड़ा कहीं चाने जी धान इनका है, ये तो धान हरी के टारे हो जरा सिद्ध चा उदेहू हस हस हस। दोस्त ये ताई जी भी शायद मेरे ब्लॉग में पहली बार आई है, तो शर्मा आ रही है देखो ये नजरे झुका रही नीचे, शर्माने की जरूरत ना यार, शर्माने ताई जी तू ये देखो यो 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 भूत में हम ताई जी लोग तो मुटरे ये देखो यो यो गवा हार सब दिखी नहीं बुलान वाले हस हस एक बार हस एक बार हस एक बार हस दे एक बार ही कर ही कर ही कर ही कर दे एक बार हस अरे एक बार हस दे एक बार हस एक बार वाया पे हस दे फिर ताई जी मैं कभी बात ना करूं तू मगर भिजाल ले जन गए यहाँ पे ते दांत में जो भिजार कर बे रोज ते दांतन बा हाव छिदी जानो फिर भिसार जन गई मगर विशान में नाम छू तू मगर भिसार को छिए बात जन करिए एक बार चाय पे हंस दे एक बार हंस दे बस हलिया कन हंस दे एक बार हलिया कन जादरा उठ उठ जा दी हो गो जाले ए आ ही कर दे ए फोटो खींच दे ए बा फोटो खींच फोटो फोटो खींच दे ही 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 यो बस है गो बात जीरिया वो यार ताई जी हंस लेने दिनो अमर देखो यो यो समत आई जी हसनो पता ना केले शर्माने न के न कौन मैच न अगर तू मैच ने सोचला जब ने के न कर सकला मैच ने सोचना ना मैच के कॉल ओके कॉल अरे जो भल कुनी यो हमार दर्शक चन्ने हम बैर में जो भल सोचनी तो और न के सोचन रे जब मैच ने के ये मैच ने की तो सपोर्ट मिलनो तो और के न चाहे बस इदो का चैन रहो तो ये देखिए यहाँ डाल रहे हैं लुटिए जीवंदा और जीवंदा की मम्मी ये चाहिए अमरूद पेड़ ये अमरूद पेड़ में डन्नी देखो यो लुट गए हो लुट लुटी लुट लुटी लेना आती नहीं हो जो इन्हें लुटी हो परमानेंट भयो उचारने जरूरत न भैया का है ना गैठने जरूरत भय ना उचारने जरूरत भय और शरणे लेने भय नली लुटी ले दीदी तीन तीन साल में खराब है जनेब है ये परमानेंट बने हो अब ये अमरूद लगी रही हो बांधन ना बैठना तो इला सही है जा राजगद्दी में हो टेबल
टेबल है जाए ना बैठन तय अमरुद बाकी लगी रही हो अब पाक जाला जब पाकी मत क्या कच्चे में खा जालू बानर तो इनते राजगद्दी फर्स्ट क्लास का नीला बड़ा है बैठना तो दगड़ियो अब मैं जा रहा हूँ यार घर को ये मडवे के बलड़ो को लेके। तो दोस्तों अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्टी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया। तो यार अब मैं जा रहा हूँ घर को ठीक है अब यार आपसे घर में जाके मिलता हूँ गाना बहुत हो गया अब आज मेरी तो भल बहन है लेकिन फिर ले गाना मन करो जरा थोड़ा बहुत गाई ली लूँ अब आवाज़ तशी भाई आ रहे हो भल लागना जब भल न लाग जब माफ़ कर दिया आप सिंगर तो हम भैया ने यार लेकिन फिर ले जरा थोड़ा बहुत आप तरफ कोशिश करूँ तुम उनका मनोरंजन करणक तो तसा भय तो तसा भय होने भय यार तसा होने भय। ये अम्मा का यहाँ फटाव लग रहा है ये आप देख सकते हो पीछे से पंखा लगा रखा है और ये पंखे की वायर देखो ये ऊपर कमरे से आ रही है ये तो ये स्कीम भी काफ़ी अच्छी है पीछे से बड़ा वाला पंखा लगा दो और यहाँ फटाव लगाओ आराम से सारा धूस भी इससे देखो आसानी से अलग हो जा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है फटाव लगाने में भी फटाव क्या बताने में इसको फटाव तो नहीं लगा रहे हैं बताने में ये वो तो भल लागना ना हम हावलो उन्हें फर्स्ट क्लास खन हावला खाई जानो और ये बताई ले जानो चल बुछने क्या काम होनी के चलो तो ला रहा हूँ पंखो ये उदाहरण एल फिट न होने एल चलो तो ला रहा हूँ पंखो फटे वाला घूमते नली एल का तो गर्म हूं। तो दगड़ियो अब बच चुके हैं यार शाम के 6 और अब जल्दी जल्दी से इस ब्लॉग को एडिटिंग करके जल्दी जल्दी से इस ब्लॉग को पोस्ट भी कर ही देता हूँ। तो यार आज के इस ब्लॉग में अब इतना ही अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो यार भाई के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे यार बाकी तुम्हारा भाई हर कमेंट्स के रिप्लाई और हर कमेंट में दिल तो दे देता है तो भाई को एक प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूले और अगर आप लोगों को पहाड़ों से प्यार और लगाव है तो यार भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाए क्योंकि तुम्हारा भाई पहाड़ों से रिलेटेड अपनी पर डे की एक्टिविटी और यहाँ का अपडेट आप लोगों को देता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना यार भाई लोगों दादी दाजू दीदी मौसी मामी चाचा चाची ताऊ ताई जदुल तुम छा यार तो यार चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दिया। तो आज ये ब्लॉग में इधुक है मिन्नू फिर नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लीजिए बाय बाय।